अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने कमोबेश 124,000 पैगंबर इंसानी हदायत के लिए मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र और जुल्म के घटाटों अंधेरों से निकाल कर नूरे वहदत में गर्क करना है, ताकि वो इंसान जो ख्वाहिशात नफसानी के शिकंजों में जकड़ा हुआ है, वो शैतान के चुंगल से निकल कर अल्लाह पाक की रज़ा का असीर बन जाए। जो लोग मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए अल्लाह ताला की तरफ से उनको गैर मामूली इल्म, तदब्बर, कुव्वत फैसला और नूरे बसीरत अता किया गया। इन मुंतखब हस्तियों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत के साथ वसी पैमाने पर मुल्क व सल्तनत भी अता फरमाई, ताकि आप अपनी ज़ाहरी और बातनी दोनों कुव्वतों के साथ मुआशरे इंसानी में फितना व फसाद फैलाने वाली शर की ताकतों से नबर्द आजमा हो सकें। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, मगर आपके इल्म मुल्क व नबूवत और खिलाफत के वारिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन के मशारिक़ व मगारिब के मालिक थे, और आपने 750 साल तक तमाम अहले दुनिया जिन्नो इंस चरिंद परिंद और दरिंदों पर हुकूमत की, और इसके साथ साथ आपको हर चीज़ की ज़बान का इल्म भी अता फरमाया गया। रूहुल बयान के अंदर भी आपकी हुकूमत 750 साल जिक्र की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अलास बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस बना लिया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनको 2 चीज़ें अता फरमा दी और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज़ भी उनको अता फरमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फ़ैसला करें जो अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुवाफिक हो, तो अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा दिया। उन्होंने दूसरा सवाल यह किया कि अल्लाह ताला उनको एक ऐसा मुल्क अता फरमाएँ जो उनके बाद किसी और को फिर कभी मुयस्सर ना आए, अल्लाह ताला ने यह भी उनको अता फरमा दिया। तीसरा सवाल ये था कि जो भी इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे बच्चा उस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वालदा उसे जन्म देती है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी अता कर दी होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मस्खर और इनके हुक्म के ताबिया बना दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते और अस्तखर पहुंचकर कैलूला करते, इसी तरह शाम को अस्तखर से रवाना होते और काबुल में रात गुजारते। इन दोनों शहरों के दरमियान तेज़ रफ्तार मुसाफिर के लिए 1 माह की मुसाफत थी। मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की छोनी 100 फरसख में थी, इनमें से 25 फरसख जिन्नों के लिए, 25 इंसानों के लिए, 25 परिंदों के लिए और 25 फरसख दीगर जानवरों के लिए थे। आपके लिए लकड़ी के तख्त पर 100 घर थे जिनमें आपकी बांदियाँ रिहाइश पजीर थीं, इनमें से कुछ आपकी मनकुआ थी और कुछ लौंडियाँ थीं। आप तेज़ हवा को हुक्म देते थे तो वो आपको लेकर चल पड़ती थी। बस एक दिन आप अलैहिस्सलाम ज़मीन व आसमान के दरमियान जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मैंने आपकी हुकूमत में इजाफ़ा कर दिया है। वो इस तरह के मखलूक से जो भी कहीं बात करेगा हवा इसे आपके पास ले आएगी और आपको इससे आगाह कर देगी। एक मरतबा आपके लश्कर का गुजर एक वादी से हुआ जो वादी नमला कहलाती थी। नमला की ये वादी अस्कलान के करीब है। जब लश्कर इस वादी के करीब पहुंचा तो एक चींटी ने कहा कि ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं तुमको सुलेमान और उनके लश्कर वाले बेखबरी में रौंद ना डालें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुन ली, और अल्लाह की मखलूकात में से जो भी मखलूक कोई बात करती तो हवा इस बात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में पहुँचा देती थी। मकातिर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात को 3 मील की मुसाफत से सुन लिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चींटी को मेरे पास लाओ, चुनांचे चींटी हाज़िर की गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ चींटी, क्या तुझे मालूम ना था कि मेरा लश्कर किसी पर ज़ुल्म व सितम नहीं करता? चींटी बोली, बेशक मेरा अकीदा ये है कि आपका लश्कर ज़ुल्म व सितम नहीं करता, लेकिन चूँकि मैं इंसाफ की सरदार हूँ इसलिए मेरा फ़र्ज़ मनसबी था कि मैं इन्हें हर नशेब व फराह से आगाह करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी इस तकरीर से मेरे नज़दीक तेरी कदर व मंजिलत बढ़ गई है।
लिहाजा मेरा जी चाहता है कि तू मुझे कोई नसीहत सुनाए। चींटी ने कहा, आपको मालूम है कि आपके वालिद गिरामी का नाम दाऊद क्यों रखा गया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मालूम नहीं। चींटी बोली, आपके वालिद गिरामी का नाम दाऊद इसलिए था कि उन्होंने ज़ख्मी दिल का इलाज किया, गोया उनका नाम दावी जराहत कलबा का मुखफ़ है। फिर चींटी ने सवाल किया कि ऐ हज़रत सुलेमान, क्या आपको ये भी मालूम है कि आपका नाम सुलेमान क्यों है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, मुझे मालूम नहीं। चींटी बोली, इसलिए कि आप सलीम सदल कल्ब हैं, गोया सुलेमान इन्हीं अल्फाज का मुखफ़ है। तफसीर रूहुल बयान में इलामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल इसरार का हवाला देते हुए लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुम्हारी सल्तनत का हदूद अरबा और तुम्हारे लश्कर की तादाद कितनी है? चींटी ने अर्ज़ किया कि लश्कर की निगरानी के लिए मैं 4,000 कोतवार रखती हूँ और इनमें से हर एक के मातहत 40,000 नकीब हैं, फिर हर एक नकीब के तहत 40,000 चींटियाँ रहती हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से फरमाया कि तू अपने लश्कर से बाहर क्यों नहीं जाती? चींटी ने अर्ज़ किया कि ऐ प्यारे नबी, मुझे रुए ज़मीन का इख्तियार दिया गया लेकिन मैंने ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने लश्कर को छोड़कर कहीं जाना गवारा नहीं। बल्कि अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार आलम, हमें ज़ेरे ज़मीन रखना ताकि तेरे सिवा हमें कोई ना जाने और हम भी तेरे सिवा किसी को ना जाने। इसके बाद चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी तो मुझे बता दें कि आपको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी कौन सी नेमत अता फरमाई है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हवा को मेरे ताबिया कर दिया है, मैं सुबह को मशरक़ में होता हूँ और शाम को मगरब में। चींटी ने कहा कि ये तो कोई बड़ा कमाल नहीं, बल्कि इसमें तो ये इशारा है कि आपकी बादशाही गोया हवा पर सहारा कर रही है। चींटी की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर फरमाई। दोस्तों, यहाँ एक बात की वजाह ज़रूरी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया किराम तशरीफ़ लाए, वो सब इस्लाम के सिलसिले की ही मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगियों को इस्लाम और कुरान की तालीमात से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके फ़ैसलों और उनके वाक़यात को एक वीडियो में बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम वक्तन फवक्तन आपको उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।